हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ सेठ रॉलिंस की बायोग्राफी शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सेठ रॉलिंस आज रेसलिंग की दुनिया में अलग ही मुकाम पर हैं। सेठ ने बहुत ही कम समय में रेसलिंग की दुनिया में बड़े सुपरस्टार की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मैं बात कर रहा हूँ द आर्किटेक्ट सेठ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सेठ रॉलिंस आधे जर्मन और आधे रेस मूल के हैं। सेठ रॉलिंस का इस नाम को चुनने की वजह बताई है उनके पसंदीदा ब्रांड ब्लैक फ्लॉग के ओनर हेनरी रॉलिंस को। यह नाम उनसे ही लिया गया है। इसमें सेठ रॉलिंस का उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए यूज़ किया है। सेठ ने 14 साल की उम्र में रेसलिंग के मूव सीखने शुरू कर दिए थे। सेठ रॉलिंस का रियल नेम कॉल्बेट डैनियल लोकेज है और इनका जन्म 28 मई 1986 यूनाइटेड स्टेट्स के आयोवा में हुआ। ये 31 ईयर के अमेरिकन रेसलर और पार्ट टाइम एक्टर हैं और ये WWE के रॉ ब्रांड के लिए खेलते हैं। इनकी हाइट 6 फीट और 98 kg वजन है। इनके फेवरेट शो माइकल है और इनका पसंदीदा म्यूजिकन ब्रांड ब्लैक फ्लग है के ओनर हेनरी रॉलिंस है और इनका फुटबॉल खेलना पसंद है और इनकी फेवरेट मूवी वाइट क्लब है। इनकी हॉबी वीडियो गेम खेलना और म्यूजिक सुनना पसंद है। इनके करियर का टर्निंग पॉइंट WWE में मनी इन द बैंक कैश करके WWE चैंपियन जीतना। 2009 में काफ़ी रेसलिंग कंपनी से जुड़े। इसमें NWM में वो कामयाब टैग टीम चैंपियन भी रहे। उन्हें सिंगल मैच में AJ स्टाइल का भी सामना किया और उसके बाद उन्होंने TNA से जुड़ा। यहाँ भी वह सफल रेसलर रहे। सितंबर 2009 में उनकी गर्दन की सर्जरी भी हुई थी। फरवरी 2010 में सेठ रॉलिंस ROS में वर्ल्ड चैंपियन बने। सेठ ने WWE इस साल 2012 में बतौर शील्ड के मेंबर के रूप में डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज के साथ मिलकर सर्वाइवर सीरीज में नाम कमाया। तीनों की टीम वे WWE में अपना अलग मुकाम अपनाया। शील्ड के शिकार WWE के काफ़ी रेसलर बने। आजकल सेठ शील्ड के पुराने साथी डीन एम्ब्रोस के साथ दिखे। सेठ रॉलिंस ने बहुत से मैच लड़े। उनके अचीवमेंट है कि WWE चैंपियन एक बार बने, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एक बार बने, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन दो बार बने। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।